हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान। दोस्तों, ये हमारी आज पहली क्लास है इतिहास पर, भारतीय इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे आज सिर्फ इसके सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस में क्या क्या है और हमें इस पूरे सब्जेक्ट में ऑल ओवर क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न पत्र के बाद, प्रश्न पत्र प्रथम के बाद में हम प्रश्न पत्र सेकेंड देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, उसका भी हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी सर्वप्रथम हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले ये नहीं करना है कि बस सब्जेक्ट को उठाया और हमने उसको रीडिंग चालू कर दिया, उसको पढ़ना चालू कर दिया। सबसे पहला जो हमारा प्रयास है वो ये होना चाहिए कि हम उसके सिलेबस को समझे, हम उसके टॉपिक को समझे। जिस प्रकार से चार चैप्टर हमको दिए होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, उस चारों टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्यों। जो सब्जेक्ट सिलेबस को जब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, सिलेबस को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो तीनों सालों का जो सिलेबस होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है। सेकेंड ईयर का जब हम पढ़ाई का स्टडी करते हैं, जब सेकेंड ईयर का जब हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे दोस्तों, तो वो पूरा का पूरा जो है उसका जो बेस रहेगा वो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट ईयर में हम बेसिक कंसेप्टों के बारे में बात करेंगे इतिहास में, सेकेंड ईयर में फिर उससे ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम जो बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में, इसके सिलेबस में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसमें देखेंगे हम कौन कौन से पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर होने वाली है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है मित्रों, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। लेकिन जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के सब्जेक्टों को अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि जियोग्राफी या फिर कहे इतिहास, ये दोस्तों ऐसे हैं जिसमें अगर आपको इंटरलिंकिंग क्वालिटी अगर आप में है तो आप उस सब्जेक्ट को कभी भूलेंगे नहीं और आपका पूरा टॉपिक इस प्रकार क्लियर होगा कि वो आपको जो है उसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार अगर आपने अच्छे समझ के उसको पढ़ लिया तो दोबारा आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इस प्रकार से। और जो आज पढ़ोगे आप, अर्थात कि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक आपको जो है आपका बेस मजबूत बनाने में आपको सफल बनाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इतिहास के आज के सेशन को। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, एक सेकेंड, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्तों ये हमारा सेशन होने जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी इतिहास के बीए के छात्रों को मैं अनुरोध करता हूं कि आप जब भी स्टडी करें दोस्तों इतिहास की, तो सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस जरूर कर लें। मात्र 25 से 30 मिनट का हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसमें प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहे और समझे कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है, इस पर ही आज हम टोटल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न पत्र प्रथम है दोस्तों इतिहास का भारतीय, इसमें हम आज सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख ले कि इसके अलावा दोस्तों हमारे जिस चैनल पर क्या क्या चल रहा है, मैं अभी आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूं। तो बीए फर्स्ट ईयर में साइंस, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोस्त, जो कि आज से स्टार्ट हो गई है, हो चुकी है ना। तो पॉलिटिकल साइंस हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें राज्य की परिभाषा से लेकर के राज्य के आवश्यक तत्वों तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अर्थात की पहली और सेकेंड इकाई, शायद अभी सेकेंड इकाई चल रही है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आज से हमने ये हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है और इसी प्रकार से बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और ये दोनों भी आपके लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपके निर्भर करता है कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जो भी आपको एक्स इनके अलावा जो मैंने यहाँ दे रखा है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी पढ़ना है, इनके अलावा, इस चारों सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है, तो दोस्तों ऑन डिमांड का जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा हुआ है कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको स्टडी कराई जाएगी, जो भी आप डिमांड करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न पत्र फर्स्ट पर मूव करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री की क्लास भी शायद कल या परसों से स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी आने वाली है, वो बाकी बाय डिमांड
जो भी आप डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ क्लास प्रोवाइड की जाएगी। उसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर में दोस्तों अभी हमारी क्लासेस इकोनॉमिक्स पर चल रही है और पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस पर भी बहुत जल्दी यहाँ पर क्लास आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये लिंक में नंबर दिए हुए हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक लोदाजी क्लासेस, लोदाजी क्लासेस करके अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, उसे ऐड कर लीजिए। ये जितने भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसके सभी के सब नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि इतिहास को हमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। अब जब बात आती है कि क्या पढ़ना है, तो हमारा एक पॉइंट यहां पर यह भी आ जाता है कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, स्किप क्या करना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है इतिहास को दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। इन चारों पॉइंटों को आपको फॉलो करना ही है, और अगर आप इन चारों पॉइंटों को फॉलो करते हैं इतिहास को पढ़ते वक्त दोस्तों, तो मेरा यकीन मानिए आपको इतिहास में कोई भी नहीं हरा सकता। इतिहास का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको फिट हो जाएगी, और जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे दोस्तों वो लास्ट के थर्ड ईयर तक आपको हेल्पफुल जो है बनाएगा, हेल्प करता ही रहेगा वो, क्योंकि जो आप आज पढ़ रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपकी आगे तक हेल्प करता है। ठीक है, तो इस चार मैजिक पॉइंट है दोस्तों, इन चार पॉइंटों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इतिहास पढ़ते वक्त टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, कि टर्मिनोलॉजी क्या है। जब भी आप इतिहास का कोई कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना। कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि इतिहास में आपसे कुछ पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि इतिहास का एक हमारा इसी का ही प्रश्न पत्र प्रथम में ही एक सिंधु सभ्यता हमें पढ़ने को मिलेगी, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिंधु सभ्यता जो है ये ही हमारी टर्मिनोलॉजी है। अब सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में दोस्तों 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हमको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता क्या थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसे उत्पन्न हुई थी, कैसे ये खत्म हुई, और इसका हमने पता कैसे लगाया, किस प्रकार के लोग इसमें निवास करते थे, किस प्रकार की सभ्यता थी, है ना, क्या इसमें कोई धार्मिक प्रथाएं हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, इसका हमें एक्चुअल में पता चला कैसे। तो ये सारी बातें दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें को समेटता कौन है, एक टर्मिनोलॉजी समेटती है जिसको हम सिंधु सभ्यता बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टर्मिनोलॉजी पर विशेष फोकस करना है पढ़ते वक्त। अगर आप जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आप फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं या सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर का पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस टर्मिनोलॉजी को दोस्तों नोट कर लीजिए, और उस टर्मिनोलॉजी से संबंधित एक शॉर्ट में एक नोट डाल दीजिए, क्योंकि आप डिटेल में तो पढ़ चुके हैं। अब जब नोट्स में एक टर्मिनोलॉजी सिंपल सी डालोगे दोस्तों, इससे सिंधु सभ्यता है, अब वो चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े, चाहे सेकेंड ईयर में पढ़े या थर्ड ईयर में पढ़े, दोस्तों आपको लिखने में हमेशा हेल्प करेगी ये टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता क्या होती है तो आपको आखिरी तक ये हेल्प करती रहेगी। इसलिए जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बल्कि तीनों सालों के लिए, तो 3 साल के बाद भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर आप एमए करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें भी आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी को आप एक सिंपल एक शॉर्ट नोट में नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, इतिहास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक लिंकिंग पर। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे थे अभी सिंधु सभ्यता की, जैसा कि थोड़ा थोड़ा तो आप सभी को पता होगा सिंधु सभ्यता क्या होती है, क्या थी। ठीक है, कि एक सभ्यता जिस प्रकार से हमारी आज की एक मानव सभ्यता है, इसी प्रकार की कुछ हजारों साल पहले एक सिंधु सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, एक सभ्यता और हुआ करती थी, और चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी, खुदाई में हमको प्राप्त हुई है ये, कहां, सिंधु नदी के तट पर, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, सिंधु सभ्यता रख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार की दोस्तों उसके कुछ हजारों साल बाद या कुछ हजारों साल पहले, अब मान लीजिए कि ये तो हमारे जो है एशिया में, एशिया अर्थात कि हम मान लेते हैं कि भारत में इसकी खोज हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अब हम कहीं और चलते हैं, जैसे कि रोम में चलते हैं,
रोम तरफ अगर हम बात करें, जैसे जो खाड़ी देश होते तो है देश दोस्तों, तो खाड़ी देशों को आप शायद अभी नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये हमारा इंडिया, इंडिया के अलावा जो दोस्तों दूसरे देशों में भी कहीं कहीं पर खुदाई में कुछ और भी सिंधु सभ्यता टाइप की ही कुछ सभ्यताएं खुदाई के दौरान पाई गई है। ठीक है, तो जब आप उन सभ्यताओं के बारे में पता करेंगे, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके दिमाग में लिंकिंग होना चाहिए कि यार ये सभ्यता खुदाई में प्राप्त हुई है, तो इसी प्रकार की सभ्यता तो भारत में भी थी, तो इन दोनों को इंटरलिंकिंग करना है। तो जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो साथ ही साथ में उसको भी एक शॉर्ट में लिख के रखना है, ताकि वो भी हमें पढ़ने में आ जाए। इस प्रकार से सबको समेटते हुए चलना है इतिहास के अंदर। अगर हम बात करें इतिहास में दोस्तों, तो जिस प्रकार से, जैसे मान लिया मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल में जिस प्रकार से बाबर से मध्यकाल स्टार्ट होता है, मध्यकाल सॉरी मुगल सल्तनत जो है बाबर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बाबर के बाद में कौन वहां का जो है सुल्तान बना, तो उसके बाद कौन सुल्तान बना, इस प्रकार से सुल्तानों का एक क्रम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी पूरी एक इंटरलिंकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरलिंकिंग है उस टॉपिक से संबंधित, तो आप उसको कभी भी किसी भी ईयर में, अगर मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से कर लिया है ना, तो लास्ट ईयर में तो ये मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लगभग लगभग मतलब बहुत कम समय में आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी के हेल्प के। सिर्फ एक छोटी सी अगर सीरीज भी पढ़ेंगे ना, तो उससे भी आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों टॉपिक लिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करेंगे हम व्यवहारात्मक समझ की, जो मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूं और हर लेक्चर में समझाने का प्रयास करता हूं कि दोस्तों बीए ही एकमात्र ऐसा सिलेबस है हमारा जिसमें अगर आपने व्यवहारात्मक स्टडी की है, अगर उस टॉपिक को अपने व्यवहारिक रूप से समझा है, तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर आपने ओनली स्टेटिकल रूप से अगर आपने पढ़ाई की है, उसको पढ़ा है सिर्फ किताब के अंदर पढ़ा है, उसको समझने की जगह सिर्फ उसको पढ़ा है दोस्तों, तो आप उसको ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए इसके बाद बात दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, कि शॉर्ट नोट किस प्रकार से आपका अध्ययन में हेल्प करेंगे, इतिहास को पढ़ने में किस प्रकार से ये शॉर्ट नोट्स आपको मदद करेंगे। दोस्तों नोट्स तो आप में से लगभग सभी लोग बनाते ही होंगे, जब भी आप कोई स्टडी करते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसके नोट्स आप जरूर बनाते होंगे। लेकिन उसमें से कुछ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोट्स आखिर तक कंप्लीट कर पाते। दोस्तों शुरुआत तो हर कोई करता है, लेकिन मेन स्टडी वही होती है जो उसे जो है आखिरी तक पहुंचाते हैं, उस नोट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीट बहुत ही कम लोग कर पाते हैं ना। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है दोस्तों कि बिना नॉलेज के हम नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो बस अपने अनुसार बस सोचते हैं कि बस इसका लिखना चालू कर दें, तो एक यूनिट या दो यूनिट तक तो हर कोई लिखता है, उसके आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस नोट्स को भी इतना लेंदी बना दिया जाता है दोस्तों कि उसको दोबारा रिपीट करने में ही इन व्यक्ति को बहुत टाइम लग जाता है। अक्सर भी ये देखने में मिलता है दोस्तों कि कभी कभी अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट हो भी जाए, तो उस सब्जेक्ट को वापस से रिविजन करने में भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि उस सीरीज को पढ़ने में टाइम लगा था या उस बुक को पढ़ने में टाइम लगा था। तो अगर मान लीजिए आपका नोट्स आपसे उतनी ही टाइम की रिक्वायरमेंट रखता है जितनी आपकी बुक रख रही थी दोस्तों, तो आपको नोट्स बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए नोट्स इस प्रकार का होना चाहिए जो कि आपकी स्टडी में हेल्प करे, आपके एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करे, और उस समय आपको दोस्तों सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। अगर मान लीजिए अगर 5 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता है आपसे, तो अगर आप एग्जाम के टाइम पे 10 घंटे भी दोस्तों पढ़ते हैं, तो आप एक दिन में 2 बार रिवीजन लगा लेंगे उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको नोट्स के अंदर जो विशेष ध्यान देना है दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इतिहास के अंदर, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का जो मेन कंटेंट है ना, सिर्फ उसको नोट करेंगे आप, उसकी डिटेल को नहीं लिखेंगे। डिटेल को छोड़ दीजिए, उस डिटेल को जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक है आपका, और जो पॉइंट है आपका जिसे हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को व्यवहारिक रूप से इस प्रकार समझ लीजिए कि आपको आगे चल के दिक्कत आए नहीं। और जो उसका फैक्ट होता है ना, जो भी उसका पॉइंट होता है, जो उस पॉइंट का फैक्ट होता है, सिर्फ आप उसको फैक्ट को लिखना है। जैसे मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता की बात चल रही थी हमारी, तो सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, तो ये जो डेट होती है ना, ये उस डेट को दोस्तों आपको लिखना है।
किस डेट, जो भी डेट है 1829 या 1729 है ना, 1829 आई थिंक है शायद, 1800 या 1929 के समथिंग कुछ डेट है उसकी, है ना। तो उस डेट को लिखना आपको, क्यों? क्योंकि आप डेट भूल सकते हो लेकिन व्यवहारिक अध्ययन आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट भी तैयार करना है, सभी सब्जेक्टों पे करना है दोस्तों, पर इतिहास पे तो 100% करना है आपको। और जब भी नोट्स आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखेंगे कि या आपके फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का नोट्स बन रहा है, ये आपको हर एक अध्ययन में काम आने वाला है, चाहे वो सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो या उसके बाद में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नोट्स और ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये चारों पॉइंट फॉलो करते हैं अपने अध्ययन के तौर पर, तो आपका जो अध्ययन है दोस्तों, जो स्टडी है आपकी, बहुत ही लाजवाब होने वाली है, आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें फिर क्लास को। आज को दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम बात करने वाले थे सिलेबस डिस्कशन पर, ठीक है। आज हम सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, इतिहास को कैसे पढ़ना है ये तो मैंने आपको चार पॉइंटों के माध्यम से बता दिया है। अब हम बात करेंगे इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, कि क्या हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, बीए फर्स्ट ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या पढ़ना है, इस पर हमारी चर्चा होने जा रही है दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे प्रथम इकाई। और प्रथम इकाई में दोस्तों यहाँ पर कुल चार टॉपिक हमें पढ़ना है, चार टॉपिकों पर हमको जो है चर्चा करनी है। चार टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम है इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा के अंदर हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसकी अवधारणा अर्थात कि इतिहास क्या है, इतिहास को समझना है सबसे पहले, ठीक है। जो हम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे और बेसिक एकदम व्यवहारिक रूप से इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे, यहां से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आगे का इतिहास समझने के लिए इतिहास की समझ आपको होना आवश्यक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी ये पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका स्वरूप, कि इतिहास का स्वरूप क्या है, जिस प्रकार से हर एक अध्ययन का एक स्वरूप होता है, जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का स्वरूप है अर्थ, ठीक है, राजनीति का स्वरूप है राजनीति, है ना, इसी प्रकार से भी इतिहास का स्वरूप क्या है, ठीक। इसके बाद में इस इतिहास का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक जाता है, मतलब इतिहास का क्षेत्र क्या है, अर्थात कि इतिहास को हम किस किस क्षेत्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इसके महत्व की बात करेंगे कि इतिहास को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों हम इतिहास को हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इतिहास के स्रोतों की, कि इतिहासों के स्रोतों का सर्वेक्षण करेंगे दोस्तों। अभी देखिए इतिहास के स्रोत, ये वाला पॉइंट आपके बीए सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है, कि इतिहास के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ हमको शॉर्ट में पढ़ना है और थोड़ा सा डिटेल आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इतिहास के स्रोत अर्थात ये कि भाई जो पुराना भारत था आपका या पुराना पुराना विश्व था, उस प्राचीन विश्व के बारे में आपको कैसे पता चला, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता 10,000 साल पुरानी थी या 20,000 साल पुरानी थी, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो है पूरा पाषाण काल भी रहा है, न पाषाण काल भी रहा है, आपको पाषाण काल को किस प्रकार से आपने बांटा है। ये प्राचीन की जब भी हम बात करते हैं तो प्राचीन किस आधार पे आप बात कर रहे हो, आपको पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो वो जो प्रूफ है दोस्तों, हमें जिससे पुराने प्राचीन समय का पता चलता है, उसी को हम यहाँ पर स्रोत बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है ना कि स्रोत क्या होते हैं इतिहास के, कि जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो उसको ही हम स्रोत कहते हैं, उस साधन को स्रोत कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि खुदाई के माध्यम से हमको इतिहास का पता चला, ठीक है, हो सकता है कि कोई किताब हमको पुराने समय की मिली हुई हो उससे हमें पता चला हो सकता है कि कोई शिला लेख वगैरह है जिस पर वो लिखे गए थे, है ना, पहले लेख लिख दिए जाते थे चट्टानों पर शिलाओं पर, तो उसके माध्यम से उनको पता चला होगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार के स्रोत होते हैं, 3 से 4 प्रकार के स्रोत होते हैं जिन पर हम बात भी करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक तथ्य इसी के, ठीक है, कि क्या तथ्य थे इतिहास के। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक और भौतिक संरचना के बारे में, भारत की भौगोलिक और भौतिक संरचना क्या है दोस्तों। अब ये तीसरे पॉइंट से हम मूव करेंगे भारत के इतिहास पर। ये जो ऊपर के दोनों पॉइंट थे दोस्तों, ये कॉमन थे, है ना, ये सिर्फ हमको इतिहास समझा रहा था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के स्रोत क्या क्या है, कैसे पता चलता है। अब जब एक्चुअल में बात करने जा रहे हैं हम इतिहास पर, तो अब इतिहास की शुरुआत हमारी तीसरे पॉइंट से होती है, और इससे हमें पता चलेगा कि भारत का क्षेत्र क्या क्या था, भौगोलिक क्षेत्र क्या था, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अलावा इसकी संरचना किस प्रकार से हुई थी। तो इसको भी हमें इतिहास के अंदर पढ़ना है। साथ में हम देखेंगे दोस्तों प्राचीन भारत को,
प्राचीन भारत के अंदर दोस्तों एक प्रागैतिहासिक काल हुआ करता था और एक पाषाण काल हुआ करता था। प्रागैतिहासिक काल वो काल था दोस्तों जो सबसे प्राचीन था, उसके बाद में जो काल आता है वो आता है पाषाण काल, और पाषाण काल के बाद में जो दोस्तों आता है वो सिंधु सभ्यता काल आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वन बाय वन करके हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक भारत तक हमारी कहानी को इसी सब्जेक्ट के अंदर हम व्यवहारिक अध्ययन के रूप में लेकर आएंगे, जिससे आपका एक एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बात अगर करें प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल दोस्तों, तो इसके अंदर हमें पाषाण काल को भी तीन रूपों में पढ़ना है। तीन प्रकार से इसके खंड कर दिए गए हैं, और कौन कौन से खंड किए गए दोस्तों इसके, तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस प्रकार से पाषाण काल को भी हमें तीन भागों में तोड़ करके पढ़ना है। सिर्फ व्यवहारिक रूप से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है ये पाषाण काल। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे दोस्तों यूनिट सेकेंड पर। हमारी यूनिट सेकेंड के अंदर पाषाण काल के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में कौन सा समय आ जाता है, पाषाण काल आ जाता है। पाषाण काल के बाद में कौन आ जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता काल आ जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल आ जाता है। तो इसी में ही सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता जो थी, उस सिंधु सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उसका जीवन किस प्रकार का था। जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता दोस्तों, उसमें जो लोग रहते थे, जो व्यक्ति रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन कैसा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे महापाषाण संस्कृति के बारे में। ठीक है, और फिर आप जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों जो हमारे भारत की शुरुआत होती है फिर वैदिक काल से, वैदिक कालों में आर्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं धर्म से संबंधित चर्चा हम इसके अंदर अंतर्गत करेंगे। वैदिक काल के अंतर ही दोस्तों हम अपने वेदों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर हमारे सिलेबस में होगा तो हम डिटेल में भी जाएंगे, अन्यथा मैं आपको शॉर्ट में भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से वैदिक काल की शुरुआत होती है, कौन कौन से हमारे वेद है, उन वेदों से दोस्तों हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है, उन वेदों के माध्यम से हमें इतिहास की किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उन वेदों के माध्यम से कौन से काल की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी हम देखेंगे। जो हमारे चार वेद है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों से हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है, ये भी हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। अगर सिलेबस में डिटेल होगा दोस्तों तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। अगर शॉर्ट में होगा तो भी मैं आपको व्यवहारिक रूप से तो डिटेल बता ही दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल अर्थात कि वैदिक काल के बाद में जो हमारे वेद थे, उन वेदों के बाद का जो समय था उसको बोलेंगे हम उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के बाद का जो समय था उसकी सामाजिक दशा क्या थी, अर्थात सामाजिक जीवन कैसा था, क्या उसमें वर्ण जाति लिंग भेदभाव ये सब की चीजें आ चुकी थी। तो उस समय जो है वर्ण कैसे थे, जाति क्या थी, विवाह के संस्कार कैसे थे, पुरुषार्थ क्या था। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी की एक एक करके टर्मिनोलॉजी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पांच इकाई हमें सॉरी 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 पांच टॉपिक हमें सेकेंड इकाई के अंदर पढ़ना है, दूसरी इकाई में हमको पांच टॉपिक पढ़ना है, और पांचों टॉपिक में अब दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां हमने फर्स्ट इकाई में शुरुआत कहां से की थी दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, और अब पहुंच कहां चुके हैं हम अभी तक, उत्तर वैदिक काल तक। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद में हमने क्या देखा, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में हमें क्या पढ़ना, सिंधु सभ्यता काल। सिंधु सभ्यता काल के बाद में क्या पढ़ना है दोस्तों, वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में क्या पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आपके नोट्स में भी इस प्रकार को, इसी को बोलते हैं टॉपिक लिंकिंग क्वालिटी। ठीक है, कि हर एक टॉपिक को आपको एक लिंक करना है दोस्तों, कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, उसका प्रभाव क्या था, इस प्रकार से आपको लिंक करना। अगर आप आज सीख जाते हैं, फर्स्ट ईयर में सीख जाते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको प्रोमिस करता हूँ थर्ड ईयर तक तो आपको कोई तकलीफ आनी ही नहीं है। इसके बाद में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 3 साल मेरे साथ जुड़ के रहते हैं तो 80% किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दोस्तों मैं आपके बीए के सिलेबस के अंदर से ही करा दूंगा, किसी भी एग्जाम की दोस्तों, किसी भी एग्जाम की। और मैं तो आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप में पढ़ने की क्षमता है तो यूपीएससी लेवल तक की मैं आपसे दोस्तों प्रॉमिस कर सकता हूं कि यूपीएससी आईएएस की एग्जाम भी, उसकी भी मैं 70 से 80% तैयारी आपके बीए के सिलेबस के अंदर से करवाने की क्षमता रखता हूं। बस आपको ईमानदार होना है पढ़ते वक्त। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में, जैसा मैं आपको पॉइंट के माध्यम से बता रहा हूं ना किस प्रकार से पॉइंट को लिंक करना है,
किस किस प्रकार से कौन सा टॉपिक कहाँ पे आ रहा है, किसके बाद कौन आ रहा है। अगर ये आपने लिंकिंग सीख ली, इंटरलिंकिंग क्वालिटी अगर आपने इंप्रूव कर ली अपनी, तो आपको यकीन मानिए आपको दोस्तों कहीं भी आप डिफीट नहीं हो सकते, कहीं भी हार नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर वैदिक काल के बाद में हम दोस्तों फिर क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए जरा कि उत्तर वैदिक काल के बाद में, अब हम भारत में ही बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद में, या कहें कि उत्तर वैदिक काल की जब धीरे धीरे खत्म हो रहा था उस समय 16 महाजनपद आए थे। अब 16 महाजनपद क्या थे दोस्तों, कि 16 ऐसे बड़े बड़े राज्य थे, ठीक है, पूरे भारत में 16 16 राज्यों में पूरा भारत बटा हुआ था, लगभग कुछ बड़े राज्य थे वो, उनको ये 16 महाजनपद बोला गया था। इसके बाद में हम देखेंगे मगध का उत्थान कैसे हुआ, जो दक्षिण भारत में दोस्तों मगध का उत्थान हुआ था जैसे कि, ओके, तो मगध का उत्थान कैसे हुआ भारत में। इसके बाद में उत्तर भारत में मैं आपको मैप के माध्यम से पूरा समझाऊंगा, उत्तर दक्षिण पूरा पूरा बताऊंगा आपको मगध कहां पर था, ठीक है। इस प्रकार से तो उत्तर भारत में नए नए धार्मिक जो है धर्मों का उदय हुआ। कौन कौन से नए धर्म आए थे दोस्तों उत्तर भारत में कौन कौन से नए नए धर्म आए थे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे, ठीक है। उनका कैसे उत्थान हुआ, किनके माध्यम से हुआ, और क्या कारण था नए धर्मों का उत्थान होना, ये भी हम व्यावहारिक रूप से दोस्तों स्टोरी कहानियों के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे कि मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों कि आप कभी भूल पाएंगे उसको, ठीक है। बस आप बन गई। उसके बाद हम देखेंगे ईरानियों का आक्रमण, भारत पर ईरानियों ने कब आक्रमण किया था, उनके आक्रमण करने का कारण क्या था, जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक कारण, जो प्रश्नों में पूछते हैं ना हमसे कि इसके तात्कालिक, ईरानियों का भारत पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण बताइए, या भारत में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो जिसने ईरानियों को आक्रमण करने हेतु ईरानियों को लुभाया था, ठीक है। तो उसके कारण हम जानने का प्रयास करेंगे, और दूसरा फिर बात करेंगे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था और क्यों किया था, ठीक। तो ये हमारी थर्ड यूनिट दोस्तों, थर्ड यूनिट में और भी है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद में देखिए, हम अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो महाजनपद थे मगध का उत्थान था दोस्तों, और ईरानी और सिकंदर का जो आक्रमण था, ये कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर वैदिक काल के एंड होते होते ही ये सब कुछ हो गए थे, ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, ठीक है। तो इसको हम अलग से एक काल के रूप में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो हमारी लिंक चली आ रही थी प्रागैतिहासिक काल से अभी तक, हम कहां तक पहुंचे हैं, प्रागैतिहासिक काल से उत्तर वैदिक काल तक, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल के बाद में कुछ ही सालों का गैप रहता है, उसके बाद में फिर एक नया काल आरंभ होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है मौर्य काल। क्या नाम है दोस्तों उसका, मौर्य काल, ठीक है। तो मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस काल की शुरुआत की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमको पढ़ने को यहाँ मिलेगा, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्थाएं थी, क्या अर्थव्यवस्थाएं थी, ये भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कौटिल्य अर्थात चाणक्य कौन थे, इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जो भारत के लिए अग्रणी है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अशोक का, अशोक कौन थे, अशोक ने किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया था, उनके समय में सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, और ये धम्म क्या होते हैं। अशोक के जो धम्म वाला ये टॉपिक आपको दिया गया है आपके, इसमें कि ये धम्म एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मौर्य काल, मौर्य कला, सॉरी, मौर्य कला और स्थापत्य कला, कि मौर्य साम्राज्य के समय में, मौर्य काल में कला और स्थापत्य का क्या महत्व था, क्या इनकी विशेषताएं थी, इन पे भी हम एक प्रकाश डालेंगे। इसके बाद दोस्तों मौर्य काल के जस्ट बाद में जो युग प्रारंभ होते हैं, अब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कई सारे काल अब धीरे धीरे आने लगे हैं, जिस प्रकार से मौर्य काल के बाद में आता दोस्तों शुंग वंश आता है, उसके बाद फिर सातवाहन वंश आता है, फिर शक वंश आता है, और फिर कुषाण वंश आता है। तो ये क्या थे दोस्तों, देखिए क्या कि मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत की थी मौर्य काल की, मौर्य काल के बाद में दोस्तों मौर्य काल का जो भी अंतिम शासक होगा, प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसके बाद में जो भी उनके अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक के बाद में उसको हरा करके या उनकी हत्या करके किसी भी प्रकार से दोस्तों मौर्य काल को समाप्त कर दिया गया। किसने करा, शुंग वंश ने किया, शुंगों ने किया दोस्तों। तो शुंग का कोई राजा आया, उन्होंने मौर्य मौर्य का जो अंतिम शासक था उसको परास्त किया, परास्त करके और अपने वंश की शुरुआत कर दी, ठीक है, किसने, शुंगों ने। अब शुंगो उसी प्रकार से किसी ने शुरुआत की, अब उसका भी जो आखिरी शासक होगा दोस्तों, उस लास्ट वाले आखिरी शासक को सातवाहनों ने हराया, हरा करके सातवाहन वंश की स्थापना हो गई।
इसी प्रकार से ये क्रम चलते चलते कोशाणु तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब इन सभी का, इन सभी शुंग, सातवाहन, शक और कुषाण, इन चारों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर को भी हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इकाई 4 की, चैप्टर 4। अब यूनिट 4 में दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य, मौर्य काल के बाद में बोला जाता है गुप्त साम्राज्य। मौर्य काल के बाद में छोटे छोटे राजवंश आते हैं, उनके बाद में दोस्तों फिर एक महत्वपूर्ण राजवंश आता है जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ये भारत के लिए, अर्थात कि भारत के इतिहास में इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। स्वर्ण काल का अर्थ ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा समय जिसमें भारत का वास्तविक रूप से विकास हुआ था। ठीक है, वास्तविक रूप से भारत का विकास हुआ उसको हम स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भारत के लिए गुप्त साम्राज्य क्यों स्वर्ण काल था इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। और गुप्त साम्राज्य के बाद में जो है दोस्तों बाकाटक वंश आता है, जो कि कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में हर्षवर्धन और उनका युग को आपको हल्के से सुर से निर से पढ़ना है, खाली बस आपको एकदम शॉर्ट में समझना है, इतना आवश्यक नहीं है। उसका उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश है दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही है। वो पढ़ना भी इसमें गुर्जर राजवंश, प्रतिहार के बारे में पढ़ना है, चंदेलों के बारे में पढ़ना है, परमार के बारे में पढ़ना है। इनके समय की सिर्फ आपको राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास पर। कश्मीर के इतिहास पर भी दोस्तों आपको सिर्फ एक शॉर्ट नजर मारनी है, शॉर्ट में आपको उस पर अध्ययन करना है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण है दोस्तों, अभी से पहले तक कश्मीर का इतिहास भी हम पढ़ते रहे हैं, है ना, और बहुत महत्व देते भी रहे हैं, परंतु अब जो कश्मीर का इतिहास में के अंतर्गत दोस्तों, अब कश्मीर का जो पहले विशेष महत्व था, है ना, वो अब समाप्त कर दिया जा चुका है। अब अन्य राज्यों की तरह ही कश्मीर भी हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका है ना, हमारा एक राज्य बन चुका है। इस कारण से अब कश्मीर से क्वेश्चनों के जो जिस प्रकार से क्वेश्चन क्वांटिटी पहले थी अब वो कम हो सकती है, अब इतना ज्यादा नहीं रहेगा इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट वे में करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा बचता है दोस्तों, पांचवी यूनिट बचती है। पांचवी यूनिट में इसको खत्म करते करते दोस्तों हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, दक्षिण भारत, उत्तर भारत की हमने बात कर ली थी, अब दक्षिण भारत पे जाते हैं। दक्षिण भारत में जो राजवंश थे दोस्तों कौन कौन थे, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य वंश। ये चार जो वंश थे दोस्तों, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल और जो है आपका पल्लव वंश, ये चारों वंश जो है आपका दक्षिण भारत में पाए जाते थे। दक्षिण भारत में ही इनकी स्थापना हुई थी, इन्होंने जो अपने साम्राज्य की स्थापना की थी वो भारत के दक्षिण में की थी, दक्षिण भाग में की थी, और वहीं से इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को चलाया था। और ये चारों जो वंश थे दोस्तों, जो चारों साम्राज्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, और शंकराचार्य का दर्शन या वेदांत, सिर्फ इसमें वेदांत को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा आवश्यक नहीं है, और संगम युग को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आवश्यक है, लेकिन फिर भी मैं आपको, जहां मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट में, तो मैं तो आपको वही 30 मिनट या 40 मिनट ही लूंगा समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको वही बता दूंगा, आपको क्लास के अंदर ही बता दूंगा दोस्तों कि किस टॉपिक को आपको किताब में अब पढ़ने की आवश्यकता है और किसको नहीं है। वो जो टॉपिक ऐसा होगा कि मुझे नहीं लगता होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहीं पर ही इस प्रकार समझाऊंगा कि मैं प्रॉमिस करके बोलता हूं दोस्तों कि एग्जाम के आखिरी तक आपको वो पॉइंट याद रहेगा, चाहे आप उस पर नोट्स बनाए या नहीं बनाए, चाहे उस टॉपिक को वापस से आप किताब में पढ़े या ना पढ़े, आपको वो याद रहेगा। और एग्जाम में 100% अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपको वो टॉपिक याद आ जाएगा और आप उसको लिख कर आओगे, उसमें आप निराश नहीं होगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से संगम युग को भी मैं आपको दोस्तों इसी व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। साथ में भारतीय संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे, इसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों कि भारतीय संस्कृति, और उस भारतीय संस्कृति के अंदर पूरे प्राचीन भारत की जितनी संस्कृति थी उस सब के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करने करेंगे, और साथ में हम उसका संचार, भारत का संचार देखेंगे, एक बृहद रूप से एक संचार देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो संस्कृति थी उसका संचार कहाँ कहाँ तक था, उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक थी। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भारत पर अरबों ने आक्रमण कब किया और क्यों किया, जब भी आक्रमण की बात आएगी तो कब और
क्यों, ये दो बात इंपॉर्टेंट होती है। इन दो, अगर ये दो बात आपको पता है तो दोस्तों आप उसके ऊपर आराम से लिख सकते हैं। तो अरब आक्रमण भारत पर कब हुआ था, अरबों का आक्रमण कब हुआ था, है ना, और क्यों हुआ था, क्या कारण था। साथ ही तुर्कों का आक्रमण। इसके बाद में दोस्तों जो भारत पर मुगल वंश की स्थापना करने के लिए जो आते हैं दोस्तों, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इनके द्वारा जो आक्रमण होते हैं, इसके बाद से ही दोस्तों फिर हमारी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होना प्रारंभ हो जाती है, मुगल सल्तनत का प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था हमारा आज का बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर सिलेबस डिस्कशन। ये हमने सिलेबस देखा, पांचों यूनिट को देखा दोस्तों, पांचों यूनिट के सभी टॉपिकों को हमने देखा। कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसमें पढ़ने की आवश्यकता थी, उसको हम पढ़ेंगे, और जिसको लगेगा स्किप करते जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और कोई कोई टॉपिक ऐसा रहेगा दोस्तों जो इतना आसान होगा कि मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको एक हाईलाइट करके आपको बता दिया करूंगा, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया करूंगा, बिना स्लाइड के मैं आपको समझा दूंगा उसको, और आप उसको समझने के बाद तुरंत बाद आप उसको जब भी सीरीज जो भी आपके पास में अवेलेबल है, नोट्स भी हो सकती है, सीरीज भी हो सकती है, जिससे भी आप पढ़ते हैं दोस्तों, उससे आप उस टॉपिक को या उस पॉइंट टॉपिक को या पॉइंट को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए, ठीक है। जो आवश्यक होगा मैं आपको वही समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाने के लिए या समझने के लिए अगर लगता है कि आपको जो मेरा पीडीएफ जो चलता है यहाँ पर, है ना, जो स्लाइड चलती है यहाँ पर, अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, और साथ में जो ये लाइनिंग चल रही है, इस लाइनिंग में भी आप देख सकते हैं, है ना। टेलीग्राम लिंक में दोस्तों कुछ भी नहीं, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसके बाद में वहां पर आपको सर्च करना है लोधा जी स्पेस क्लासेस, ठीक है, लोधा जी क्लासेस, जिसे आप सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों एक ग्रुप खुलकर आ जाएगा, जिस पर हमारी कोचिंग क्लासेस का एक लोगो होगा ब्लू कलर में, ठीक है। तो उसको दोस्तों आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद में जब भी टोटल नोट्स वहां पर अवेलेबल है, आप उस नोट्स को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सभी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है इतिहास पर, जिसपे पर डे कोशिश करूंगा कि पर डे एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाए, एक वीडियो आप तो आपको दूंगा ही कंप्लीटली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।